नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टमाटर के पापड़ की रेसिपी, जिसमें ना ही मैदा का इस्तेमाल करूँगी, ना ही इसमें डालूंगी साबूदाने। एकदम नए तरीके से आपको बना के दिखाऊंगी टमाटर के पापड़, जो कि हर कोई अपने घर में बना ले। एकदम आसान तरीके से बना के दिखाऊंगी। टमाटर के पापड़ के लिए आपको टमाटर जब भी लेने हैं तो बहुत अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। पका हुआ टमाटर का पापड़ बनाने से एक तो इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा और इसका टेस्ट जो है वो भी बहुत अच्छा आएगा। बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा सा नहीं बनेगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कच्चा टमाटर थोड़ा सा खट्टा लगता है खाने में और पका हुआ टमाटर मीठा लगता है। तो इसके लिए जब भी हमें टमाटर लेना है तो पका हुआ ही देख के लेना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जितना टमाटर का बनाना चाहते हैं उतना का बना के तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर वीडियो के लिए थोड़ा सा टमाटर यानी कि 2 टमाटर लेके ही आई हूँ और इसका ही आपको पापड़ बना के दिखाऊंगी। तरीका सेम रहेगा, आप ज़्यादा बनाएं या कम बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। टमाटर को अच्छे से धुल के साफ कर लिया है। अब क्या करना है कि सारे टमाटर को हमें छोटे छोटे टुकड़े में कट करना है। फ्रेंड्स, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से एक बार देख के समझ लीजिए। उसके बाद जब अगले बार से आप पापड़ बनाएंगे तो आपका भी पापड़ एकदम सही बनेगा, बिल्कुल भी टूटेगा फटेगा नहीं। तो होली पास ही आ रही है तो सब कोई अपने अपने घर में पापड़ बना के रखना शुरू कर दिए हैं, तो आप भी अभी से ही बना के रखना शुरू करें। फ्रेंड्स, आप नए हैं अभी तक, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर रोज नया नया पापड़ की रेसिपी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। आपको भी बना के रखने हैं घर में बहुत तरह के अलग अलग तरीके की पापड़, चिप्स, फ्रायम्स, तो ऐसी रेसिपी देखना है आपको आगे भी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो हमारा वीडियो आप देख पाइएगा। और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, जो छोटा सा घंटी है ना उसे जरूर दबा लीजिएगा एक बार, और ऑल पे दबा के सेलेक्ट कर लीजिएगा, तभी हमारा हर वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो देखिए, बातों ही बातों में टमाटर भी हमारा कट के रेडी हो चुका है। थोड़ा सा छोटा छोटा टुकड़ा कट करने से क्या होता है, बहुत अच्छे से पीस के बारीक हो जाएगा, क्योंकि हमें टमाटरों को पीस के इसका पेस्ट तैयार करना है। तो चलिए फ्रेंड, सारे टमाटर जो बड़े बड़े टुकड़े हैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो सारे टमाटर हमारे पीस कट के तैयार हो गए हैं। अभी क्या करना है, इसको डालना है मिक्सर जार में, जिससे कि ये अच्छे से बारीक पीस सके। बहुत ही आसान सा रेसिपी है, इसमें आपको बाहर से कुछ भी लाने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, आप पूरा वीडियो देखते जाए, आपको खुद ब खुद बहुत पसंद आ जाएगा। अब यहाँ पर ली हूँ 2 हरी मिर्ची, और मिर्ची को भी हमें इस तरीके से चॉप कट करके और इसमें डाल देना है। छोटा कर देने से ये बहुत अच्छे से पीसेगा टमाटर के साथ, गोल गोल नहीं घूमेगा। अब यहाँ पर डालना है 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो फ्रेंड्स, आप लहसुन फ्लेवर का बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 2-4 कली लहसुन का भी डाल सकते हैं। तो अभी इसमें हरा मिर्ची और अदरक डाल दी हूँ। अब डालना है 1/2 छोटा चम्मच नमक। जब भी आप टमाटर को पीस रहे हैं तो इसमें थोड़ा नमक जरूर डालिएगा, नमक डालने से ये बहुत ही जल्दी पीस जाता है और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा, और टमाटर का कलर भी बहुत अच्छा बना रहता है। अब इसमें डालना है 2 से 4 चम्मच के जितना पानी। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि टमाटर में खुद का पानी होता है। थोड़ा सा डालना है जिससे कि ये जो है अच्छे से पीसे, एकदम बारीक करके इसका पेस्ट बनाना है। तो चलिए थोड़ा सा बारीक करके पीस के फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए, टमाटर जो है बहुत अच्छे से पिस चुका है और इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा नहीं बचा है। अभी क्या करना है कि इसको छानना है, क्योंकि इसमें जो बीज है टमाटर का वो सब अलग करना है हमें। तो सबसे पहले टमाटर के पेस्ट को आप कोई भी कप या कटोरी से नाप के ले। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है 1 कप है इसका पल्प, टमाटर का पल्प। तो इसी के हिसाब से इसमें हमें सारे चीज ऐड करने होंगे। जिसमें भी आपको पापड़ बनाना है वो बर्तन आप यहाँ पर रख सकते हैं। और इसमें डालना है छन्नी, छन्नी के ऊपर हमें टमाटर के पल्प को डालना है और अच्छे से
इस तरीके से दबाते हुए इसका जो मोटा वाला छिलका है, बीज है, जो मिर्ची नहीं पिसा है वो सब छान के अलग कर देना है, और इसका जो पेस्ट है उसका इस्तेमाल पापड़ बनाने में करना है। आज मैं आपको बिना आलू और बिना साबूदाने के टमाटर के पापड़ बना के दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और साइज जो है इसका आप अपने पसंद से बना सकते हैं, बहुत बड़ा भी बनाएंगे तो भी ये पापड़ बनेगा। इस तरीके से थोड़ा सा दबा के तब इसका पल्प निकालिएगा, मोटा छन्नी है तो बहुत अच्छे से ये निकल जाएगा। और जो इसका छिलका है देखिए कैसे अलग हो गया है, देख पा रहे हैं? देखिए इसका हमें कोई काम नहीं है, इसको हटा देना है और पल्प को अच्छे से निकाल लेना है, जिससे कि कोई चीज़ इसमें बर्बाद ना जाए। अभी थोड़ा सा जार में पानी ले लेना है और जार में इस तरीके से इस पर डाल दें। तो इसमें आधा कप पानी और डाल देती हूँ, क्योंकि आधा कप पानी जार को धोने से और टमाटर को पीसने से इसमें यूज हो चुका है। तो एक कप हमारा टमाटर का पेस्ट है, जितना पेस्ट रहता है उतना इसमें अलग से पानी डालना है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसको चढ़ाना है चूल्हे पर, तो अभी पहले इसको पकाना है। तो अभी टमाटर के पेस्ट को चूल्हे पर चढ़ा दी हूँ, और शुरू का गैस का फ्लेम हाई रखिए, और जैसे ये गर्म हो जाए पकने लगे थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा, क्योंकि टमाटर जो है इसको पहले पकाना बहुत जरूरी है। कच्चा टमाटर में यदि हम अलग से कोई सामग्री ऐड कर देते हैं तो वो पापड़ जो है सूखने के बाद उसका फटने का डर रहता है। और इस तरीके से आप जब टमाटर के पापड़ बनाएंगे तो इसका स्वाद भी बहुत अच्छे से आएगा और ये फटेगा भी नहीं, कहीं कोई डर नहीं रहेगा कि टमाटर के पापड़ हमारे फट जाएंगे। तो इसके लिए इसे पहले पकाना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। होली के लिए आपको तरह तरह के पापड़ बना के रखने हैं तो सिंपल से काम आप कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें मेरी सहेली पापड़ रेसिपी, आपके आगे बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे जो कि हमारे बनाए हुए होंगे पापड़ की रेसिपी। और आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी वीडियो देख के मन कर जाए कि पापड़ आज बना के रखा जाए, तो आप उस वीडियो को देख के पापड़ बना सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे पापड़ की वीडियो बना के डाली हुई हूँ पहले से भी, और अभी भी लगातार पापड़ की ही वीडियो डालूंगी, पापड़ चिप्स की। अभी देखिए पानी जो है बहुत अच्छे से गर्म होने लगा है और इसमें अब उबाल भी आना शुरू हो गया है, देख पा रहे हैं? और इसमें अलग से एक कप पानी का इस्तेमाल किया है मैंने। 10 मिनट तक हमें इसको अच्छे से पकने देना है टमाटर के पेस्ट को। तो देखिए 10 मिनट हो चुका है टमाटर के घोल को पकाते हुए, अब इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहा है, हमारा टमाटर जो है अच्छे से पक चुका है। तो फ्रेंड्स अभी इसी के अंदर हमें डालना होगा एक कप और पानी। ये पानी जो था ये गर्म पानी था, ठंडा पानी नहीं था। एक कप पानी और डालने के बाद तो इसमें कुल 2 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है 2 टमाटर में। तो ये जो पीछे वाला जो 1 कप पानी है वो डाली हूँ इसके लिए कि इसके साथ हमें डालने हैं सूजी। तो जितना हमारा सूजी रहता है सूजी के अकॉर्डिंग इसमें सूजी का हमें डालना है 5 गुना पानी। तो जितना सूजी था, जिस भी कटोरी से इसको नाप के ली हूँ उसी से 5 गुना पानी नाप के 1 कप और पहले का 1 कप इसमें डाल देना है सूजी। सूजी आप जिस भी बर्तन से ले रहे हैं उस बर्तन से आप 5 गुना पानी डाल लीजिएगा। और 1 कप पानी टमाटर का पेस्ट आपका जितना भी है, जैसे 1 कप टमाटर का पेस्ट है तो अलग से आपको उसमें 1 कप पानी डालने हैं। 1 कटोरी है तो आपको 1 कटोरी पानी डालना है, उसके बाद 10 मिनट पहले पकाना है, उसके बाद इसमें सूजी ऐड करना है। जितना आप सूजी ले रहे हैं उसके 5 से 6 गुना आप पानी डाल लीजिएगा जिस बर्तन से आप सूजी ले रहे हैं। तो आज बनेंगे टमाटर और सूजी के पापड़, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा गजब का टेस्टी होता है और एकदम आसान तरीके से बन जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बारीक वाला सूजी का इस्तेमाल की हूँ, आपके पास मोटा वाला होगा तो थोड़ा सा उसे जार में डाल के पीस लीजिएगा, सूजी को थोड़ा बारीक कर लीजिएगा तो इसका पापड़ बहुत ही अच्छा लगेगा आपको।
अभी देखिए बिल्कुल भी इसमें कलर नहीं है तो मजा नहीं आ रहा है, पता ही नहीं लग रहा है कि टमाटर के पापड़ है। तो इसमें डालना हमें थोड़ा सा फूड कलर, टोमेटो फूड कलर आप एक पिंच डाल सकते हैं। आपके पास लिक्विड वाला है तो आप वो भी डालें, सूखा हुआ वाला है तो उसको पानी में घोल के डालिएगा, सूखा कभी मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो कहीं कहीं हो जाएगा पापड़ में कलर ज्यादा और कहीं कहीं हो जाएगा कम। अभी इसमें डालना हमें छोटा चम्मच से आधा चम्मच जीरा। अब सारी चीज को मिक्स करना है। नमक आप देख लेंगे, नमक थोड़ा सा कम ही डालिएगा, टमाटर को पीसते वक्त जो नमक डाली है उसी नमक से इसमें बहुत अच्छा सा नमक हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आंच तेज है, थोड़ा देर पकने के बाद थोड़ा सा कम करूंगी गैस के फ्लेम को और आराम से इसे पकने देना है जब तक कि सूजी का दाना जो है अच्छे से पक ना जाए। सूजी को पकने में कम से कम 7 से 8 मिनट का समय लग जाएगा। और यदि आपको लगे बीच में कि बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर गैस की आंच को बिल्कुल लो करके और पकाई हूँ पीछे का सबसे लास्ट का जो 5 मिनट का समय होता है उससे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर में जो सूजी पड़ा है, सूजी बहुत अच्छे से पक चुका है, उसका दाना दाना पक गया है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो फ्रेंड्स आप 1/2 kg टमाटर में 250 ग्राम सूजी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और टमाटर और साबुदाने के पापड़ आपको चाहिए होंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी। अब ये पापड़ का घोल जो है पक चुका है, देख पा रहे हैं। तो अभी कर देना है गैस को बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है 5 मिनट तक। और बाकी का मसाला इसमें जैसे चिली फ्लेक्स वगैरह आपको डालना है तो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए गैस को बंद करके और इसे चूल्हे से उतार लेती हूँ नीचे। तो फ्रेंड्स गैस को बंद कर दी हूँ, अब इस पे ढक्कन लगा के 5 मिनट तक हमें छोड़ना है जिससे सूजी एकदम अच्छे से फूल जाए, पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा रहने का गुंजाइश ना हो। यदि सूजी आपका कच्चा रहेगा तो पापड़ खाने में कड़ा लगेगा। तो पापड़ जब भी बनाए तो वीडियो को अच्छे से देखने के बाद ही बनाए। तो चलिए 5 मिनट ढक्कन लगा के छोड़ने के बाद आपको बताती हूँ पापड़ बनाने का तरीका और पापड़ फ्राई करने के बाद कैसा लगता है। तो रखे हुए 10 मिनट हो चुका है और देखिए इसके अंदर अभी तक कितना अच्छा भाप बना हुआ है। तो ये भाप से जो है और भी टमाटर हमारा अच्छे से पक के और तैयार हो जाता है। देखिए अब एक बार मिक्स कर लीजिए। इसके अंदर डालना हमें थोड़ा चिली फ्लेक्स, आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो हरी मिर्ची से ही आप काम चला सकते हैं लेकिन थोड़ा डालने से चटपटा अच्छा लगता है। अब इसका पापड़ बनाना शुरू करना है तो बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखना है। पतला रखेंगे तो जब आप पापड़ बनाएंगे तो बगल बगल से उसका पानी सा निकलते रहेगा, तो इस तरीके का रखिएगा एकदम मिला जुला। सूजी जब भी लीजिएगा तो एकदम बारीक वाला मोटा वाला है तो थोड़ा सा मिक्सर जार में पीस के उसके बाद डालिएगा। 500 ग्राम टमाटर का बना रहे हैं तो आप 250 ग्राम इसमें सूजी डाल सकते हैं। सूजी जिस भी कप या कटोरा से आप ले रहे हैं उससे 6 गुना पानी इसमें डाल लीजिएगा। टमाटर का पेस्ट आपका जितना है उतना से डबल यानी 1 कप है तो आप उसमें 1 कप एक्स्ट्रा पानी डाल के 10 मिनट पहले पका लीजिएगा। तो सारी चीज आपको अच्छे से समझा दी हूँ, अब आपका जो टमाटर और सूजी के पापड़ है बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब बना के दिखाती हूँ। पापड़ बनाने के लिए पॉलीथीन लीजिए और पॉलीथीन के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाना है, हल्का सा तेल लगाना है। तो ये रिफाइंड तेल होना चाहिए, सरसों का तेल हमें नहीं लगाना है, नहीं तो पापड़ जब आप स्टोर करेंगे तो उसमें स्मेल आ जाएगा, वो महकने लगेगा सरसों तेल के वजह से। अब यहाँ पर देखिए पापड़ आपको जिस भी साइज के बनाने हैं, बड़ा छोटा, आप उस तरीके से पापड़ को बना सकते हैं। होममेड पापड़ है तो इसका साइज जो है थोड़ा छोटा ही रखिए तो बहुत अच्छा लगता है खाने में और फ्राई हो जाएगा कम तेल में। और जब आप इसे स्टोर करेंगे तो भी छोटे से भी बर्तन में आप स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से हमें सारे पापड़ को बना लेने हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है, हर कोई अपने घर में चाहे तो बना के रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें सारे पापड़ को बना के और तैयार करना है।
और दो टमाटर से और थोड़ा सा सूजी से बहुत सारे हमारे पापड़ बनके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मैं सारे पापड़ बना लेती हूँ और धूप में डाल देती हूँ सूखने के लिए। जब पापड़ धूप में अच्छे से सूखेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी सूखने के बाद। तो फ्रेंड्स, धूप में इसे सुखाई थी, 2 दिनों के धूप में बहुत अच्छे से हमारा पापड़ जो है सूख के तैयार हो गया है। और देखिए कितना अच्छा ये बन के आया है, छोटा छोटा सा पापड़, एकदम पतला पतला सा। जब ये सूखता है तो ये छोटा हो जाएगा, आप बड़ा बड़ा बनाएंगे तो पापड़ आपका बड़े बड़े बन के तैयार होंगे। आपको कलर डालना है तो आप कलर डालिएगा, नहीं डालना है तो आप बिना कलर का भी पापड़ बना सकते हैं। तो चलिए अब पापड़ फ्राई करके दिखाती हूँ। तेल अच्छे से गर्म है, अब इसमें डालना है पापड़। देखिए पापड़ का साइज कितना बड़ा हुआ है सूजी के वजह से, बहुत छोटा सा पापड़ था और बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। देखिए फ्रेंड्स कितना का अंतर है, कितना छोटा पापड़ और कितना बड़ा हो गया है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं टमाटर और सूजी के पापड़, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, सबको पसंद आएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।